ECAT Mathematics F.Sc Part 1 Chapter Number 9 जो के Fundamental of Trigonometry से related है, इसमें आज जो topics हम discover करेंगे, उनमें पहला है Relation between Elements of a Circle और second जो है, वो है Signs and Relationship among Trigonometric Functions. हम सबसे पहले जो रिलेशन है एलिमेंट्स ऑफ ए सर्कल जिसमें के आर्क लेंथ जिसे हम एल कहते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आर्क सेंटर के साथ एंगल बनाती है जिसे हम सेंट्रल एंगल कहते हैं, उनके दरमियान रिलेशन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं जी. स्टेटमेंट है एमसीक्यू की इस तरह से कि द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ द सेक्टर to the length of arc of a circle is. Basically यहाँ पर अगर sector के हवाले से बात की जाए तो हम ये बात जानते हैं कि जब एक circle में जब एक arc हम draw करते हैं, यानी circle का एक small सा part लेते हैं और इन इस जो arc है इसके end points को जब हम center से join करते हैं तो ये जो shape बनती है हमारे पास, ये एक sector की है, ठीक है. अब इसका जो एरिया है अगर इसकी रेशियो ली जाए, इस ये जो आर्क लेंथ है, ठीक है, इससे, ठीक है, टू द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए सर्कल, तो ये इन में से किस ऑप्शन के साथ मैच करेगी, ठीक है. अगर सेंट्रल एंगल थीटा के इक्वल हो और रेडियस आर के इक्वल और आर्क लेंथ एल के इक्वल हो. ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया हमने ड्राइव किया था जो कि इक्वल होता है हाफ टाइम स्क्वायर ऑफ रेडियस टाइम थीटा के, ठीक है, थीटा जो कि सेंट्रल एंगल है, ये हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं. और जबकि एल इक्वल टू आर थीटा, ये हम जानते हैं कि ये हमारे पास आर्क लेंथ फाइंड करने का फार्मूला है. अब इन दोनों की अगर हम रेशियो ले लें, यानी एरिया को अगर डिवाइड कर दें एल से, ठीक है, तो एरिया की वैल्यू क्या आ रही है जी, 1/2 आर स्क्वायर थीटा, हम इसे डिवाइड कर रहे हैं आर थीटा से, या हम अदर वर्ड्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसे 1/ आर थीटा से, एक ही बात है, डिवाइड कर रहे हैं. तो देखें इसमें थीटा थीटा से कैंसिल हो रहा है, एक दूसरे के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्सिस है, आर आर स्क्वायर को कैंसिल कर रहा है, तो हमारे पास जवाब आ रहा है आर ओवर टू, ठीक है, या इसे मैं यूं कह सकता हूं कि आर टू इज टू टू, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर जो डी है हमारे पास उससे क्या कर रहा है जी, मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन बी भी रॉन्ग है, ऑप्शन ए भी रॉन्ग है और ऑप्शन सी भी रॉन्ग है. तो इस तरीके से आप जो है इस जो बेस्ट ऑप्शन है इन गिवन ऑप्शन में से वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं जी. हम अब नेक्स्ट जो एमसीक्यू है वो रिलेटेड है हमारा साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, जिसमें के क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि इफ साइन ऑफ एंगल फाई, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो लेस देन जीरो है, यानी नेगेटिव साइन है, ठीक है, जबकि टेंजेंट इसी एंगल पर अगर वैल्यू देता है तो वो ग्रेटर देन जीरो दे रहा है, यानी इसका मतलब उसका पॉजिटिव साइन है, ठीक है. देन टर्मिनल साइड लाइज इन विच क्वाड्रेंट, हमें ये बताना होगा कि एंगल जिसका शुरू तो हम जानते हैं हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होता है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, लेकिन अब इसका जो टर्मिनल आर्म है वो क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा या थर्ड में आएगा, अब इस बात का हमने जवाब देना है, या फोर्थ में होगा, ठीक है. देखिए ये बात हम जानते हैं कि हमारे पास जो ये एक्स एक्सिस जैसे है और वाई एक्सिस है, तो इसमें हमने बात पढ़ रखी थी कि जो साइन फंक्शन है, ठीक है, ये वाई के यानी वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू के बराबर होता है, किसी भी यानी अगर ऑर्डर पेयर की हम बात करें तो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा जो उसके साइन होंगे वही साइन ऑफ एंगल थीटा के या फाई के साइन होंगे उस क्वार्टर, ठीक है, अगर हम यूं कहें कि एंगल जो है वो फाई बन रहा है, ठीक है, अगर मैं फर्स्ट क्वार्टर की बात करूं तो फिर यहां पर चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो जो हमारे पास वाई है वो पॉजिटिव होता है, सेकंड में वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड में वाई नेगेटिव होता है, ठीक है, यहां से हमें पता चल रहा है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है, और टेंजेंट जो के रेशियो होती है साइन
फाई ओवर कॉस फाई की, ठीक है। या मैं यूं कह सकता हूं कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल के हवाले से बात की जाए तो ये परपेंडिकुलर साइड ओवर बेस साइड है, यानी अगर एक पी पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट जो कि इक्वल है कॉस ऑफ फाई के इक्वल और वाई कोऑर्डिनेट उसका साइन ऑफ फाई के इक्वल है, तो फिर टेंजेंट जो होगा टेंजेंट ऑफ फाई वो इक्वल टू होगा वाई ओवर एक्स के। अब वाई की वैल्यू और एक्स की वैल्यू दोनों ही थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं जी, नेगेटिव होते हैं। तो जब हम नेगेटिव नेगेटिव इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो वो आपस में कैंसिल होके क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। और फिर हम इससे ये बात इसका जवाब इस बात का दे सकते हैं कि ये जो हमारे पास सवाल पूछा जा रहा है कि कौन से क्वाड्रेंट में ये एंगल का टर्मिनल जो इसकी साइड है या आर्म है वो लाई करेगा, तो वो फिर सी ऑप्शन, ठीक है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। इसी तरीके से आप इसी जो अभी मैंने फिगर आपके सामने शो की है आप इसको किसी भी और क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसके हिसाब से फिर आप क्वाड्रेंट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि फिर कौन से क्वाड्रेंट में टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाई करेगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट जो है एमसीक्यू जरा इसको सॉल्व करते हैं जी। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि द को टर्मिनल एंगल ऑफ -45 डिग्री इज, यानी को टर्मिनल एंगल्स वो होते हैं जिनके इनिशियल आर्म तो जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है वहां से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन टर्मिनल आर्म जो है वो यूं आप समझ लें कि जहां पर पहला एंगल खत्म होगा दूसरा एंगल भी उसी पोजीशन पे खत्म हो, ठीक है। उनकी मेजरमेंट तो डिफरेंट होती है लेकिन उनके टर्मिनल आर्म सेम होते हैं, तो इस वजह से हम कहते हैं ये को टर्मिनल आर्म है और इसलिए एंगल को टर्मिनल एंगल है, ठीक है। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, इसका एक फार्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि अगर हम -45 डिग्री का को टर्मिनल एंगल चाहते हैं, अगर पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल चाहते हैं तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 रेवोल्यूशन यानी 360, ठीक है, और अगर नेगेटिव इसका को टर्मिनल एंगल फाइंड करना चाहते हैं तो हम इसमें -360 ऐड करेंगे, ठीक है। तो दोनों केसेस में अगर आप देखें, इस केस में हमारा जवाब 315 डिग्री बनता है जबकि इस केस में हमारा जवाब -405 डिग्री बनता है। तो -405 डिग्री तो इन ऑप्शंस में नहीं है लेकिन 315 डिग्री अवेलेबल है, इसलिए हम कहेंगे कि ऑप्शन बी जो है हमारा वो बेस्ट ऑप्शन है। अब मैं जरा इसे एक्सप्लेन कर देता हूं, जो बात मैंने यहां पर कही वो कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फर्स्ट करें हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें के एक्स एक्सिस और ये जो वर्टिकल एक्सिस जिसे हम वाई एक्सिस कहते हैं ये मौजूद है, ठीक है। अब हम एक पहले -45 डिग्री बनाते हैं, इसका इनिशियल आर्म मैंने एक्स एक्सिस पे शो किया पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे और 45 डिग्री चूंकि ये नेगेटिव है इसे ये क्लॉक वाइज रोटेशन होगी और इस ये कहीं इस जगह पर होगा इन बिटवीन यानी 90 डिग्री कहीं इधर होगा, ठीक है जी। ये आ गया हमारा एंगल -45 डिग्री का। अब हम बात करते हैं 315 डिग्री की, तो देखें इसमें अगर हम एंटी क्लॉक वाइज चलें तो ये पॉजिटिव 90, ये पॉजिटिव फिर 90, तो 90 90 180, फिर 90 ऐड करेंगे 270 और इसमें फिर 45 ऐड करें तो ये 315 डिग्री बनता है। इसका मतलब कि अगर 315 डिग्री भी मैं ड्रॉ करता तो वो भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आता और अगर मैं -45 डिग्री जो है वो एंगल ड्रॉ करता तो वो भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आता, ठीक है, और पोजीशन भी सेम होती, यानी जो वैल्यू -45 डिग्री की है साइन फंक्शन को साइन फंक्शन की वही जो है वो 315 डिग्री पे भी वैल्यू आएगी। ये बेसिकली यहाँ पर हम इस बात को यूँ समझ सकते हैं। और अब आप नेक्स्ट टाइम कोई भी एंगल गिवन होगा तो उसका को टर्मिनल एंगल बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि जिसमें कि आप पॉजिटिव के केस में आप प्लस करेंगे पॉजिटिव रेवोल्यूशन, अब वो कितनी रेवोल्यूशन ऐड करनी है, यहाँ पे चूंकि -45 360 से लेस एंगल था इसलिए 1 रेवोल्यूशन, अगर ये एंगल 360 से बड़ा होता तो हम फिर 2 रेवोल्यूशन ऐड करते, ठीक है, यानी कि ओवरऑल जब आपका आंसर आए तो वो एक पॉजिटिव नंबर आए, इस चीज का आपने ख्याल रखते हुए इस फार्मूला को अप्लाई करना होगा, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम आपका जो जवाब है को टर्मिनल एंगल का वो आप फाइंड आउट कर सके। तो ये मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ कि हम थीटा में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 2π को, ठीक है, या अगर सब्ट्रैक्शन का साइन आप नहीं लगाना चाहते तो फिर हम यूं कहते हैं कि हम इसमें थीटा जो गिवन एंगल है उसके को टर्मिनल एंगल को फाइंड करने के लिए हम थीटा में ऐड कर लेते हैं 2 times n π।
और इसमें n जो होगा वो फिर हमारे पास बिलोंग करेगा सेट ऑफ इंटीजर्स में से, ठीक है। और इस तरीके से फिर हम जो है वो रेवोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। हाँ, इसमें जीरो नहीं हम पुट करेंगे, क्योंकि अगर जीरो पुट कर लेते हैं तो फिर हमारे पास तो वही एंगल दोबारा आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम जीरो नहीं पुट करेंगे। इसके अलावा कोई भी पॉजिटिव वन, माइनस वन, पॉजिटिव टू, नेगेटिव टू वैल्यू एन की जो हम पुट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट एक एमसीक्यू करते हैं जी। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि इफ टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू टू, देन थ्री टाइम्स साइन ऑफ थीटा प्लस फोर टाइम कोसाइन ऑफ थीटा, ये जो सम आएगा उसको हम डिवाइड करेंगे कॉज ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा से। तो फिर हमारा क्या आंसर आएगा, इस चीज को हम यहाँ पर फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। और ऑप्शंस ये आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन 10 ओवर 3 है, 10 ओवर 7 ये बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन 7 ओवर 3 है, और डी ऑप्शन 17 ओवर 3 है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप जानते हैं कि हमें साइन थीटा और कोसाइन थीटा की जब तक वैल्यू नहीं पता होगी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए हम जो गिवन वैल्यू है टेंजेंट थीटा इक्वल टू टू इसको यूज करते हैं। हम ये बात जानते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जब हम टेंजेंट फंक्शन की बात करते हैं तो ये रेशियो होती है परपेंडिकुलर साइड की बेस साइड से, ठीक है। यानी इसका मतलब टू का डिवाइजर जो कि इस केस में वन है, ये बेस की वैल्यू मतलब रेशियो में, अगर इसको हम बी को वन रखें परपेंडिकुलर का टू, तो हाइपोटेन्यूज जो है वो इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर है, यानी टू का स्क्वायर फोर और वन का स्क्वायर वन, तो फोर प्लस वन फाइव, इसका मतलब अंडर रूट फाइव जो है ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी जी, हाइपोटेन्यूज की, जबकि परपेंडिकुलर टू और जो इसमें बेस है वो वन है, ठीक है। यहां पर बल्कि हम इस तरह से कर लेते हैं कि इसे एंगल इसे कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये साइड ग्रेटर नजर आ रही है, ये स्मॉलर, ठीक है। अब देखेंगे इसमें हमारे पास जो साइन फंक्शन है साइन थीटा, ये रेशियो होती है परपेंडिकुलर और हाइपरटीन्यूस की, तो परपेंडिकुलर टू है, हाइपरटीन्यूस अंडर रूट फाइव है, ठीक है, जबकि कोसाइन रेशियो होती है बेस ओवर हाइपरटीन्यूस के, जिसका के निमोनिक भी हमने याद रखा हुआ है कि सम पीपल है कर्ली ब्राउन हेयर, तो कर्ली से कॉस, ब्राउन से बेस, ठीक है, जो कि वन है, और हैव से हाइपरटीन्यूस जो कि अंडर रूट फाइव है। तो यहां पर इनकी वैल्यूज को हम दर्ज करते हैं, ठीक है जी। इस जगह पर हम पुट करेंगे टू ओवर अंडर रूट फाइव, यहां पर हम पुट करेंगे वन ओवर अंडर रूट फाइव, ठीक है, और इसी तरह यहां भी वन सॉरी यहां पर, ठीक है जी, वन ओवर अंडर रूट फाइव, यहां पर वन ओवर अंडर रूट फाइव आएगा, और यहां पे टू ओवर अंडर रूट फाइव आएगा, ठीक है जी। और अब इन्हें हम ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, देखते हैं कि इनका सम हमारे पास क्या आता है। कैलकुलेशन में यही स्क्रीन पे आपसे शो करूंगा। थ्री टाइम्स, चूंकि न्यूमरेटर में टू लिखा हुआ है, थ्री टाइम टू कितना होता है सिक्स, सिक्स ओवर अंडर रूट फाइव आ जाएगा, ठीक है, प्लस फोर, न्यूमरेटर वन से मल्टीप्लाई होगा तो फोर ओवर अंडर रूट फाइव आ जाएगा, जबकि डिवाइडेड बाय जो है अगर आप देखें तो ये इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, अंडर रूट फाइव कॉमन आ जाएगा डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर में वन और टू एड होके कितना आ जाएगा थ्री, ठीक है। सेम अगर आप यहां देखें तो डिनोमिनेटर सेम है, ये कॉमन आ जाएंगे, और सिक्स और फोर ऐड होके कितने हो जाएंगे टेन, तो यहां मैं यू भी लिख सकता हूं कि टेन ओवर अंडर रूट फाइव, ठीक है। हम इसे क्विकली सॉल्व करेंगे जी, ये आ जाएगा टेन ओवर अंडर रूट फाइव। अब देखें दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो डिवाइजर है वो अंडर रूट फाइव है, जो कि आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, और हमारा आंसर टेन ओवर थ्री आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए बनता है। तो इस तरीके से हमने जो है ये प्रॉब्लम भी यहां पर सॉल्व कर लिया है जी। स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं जी कि विच वन इज ट्रू। हमसे पूछा जा रहा है कि पहला मतलब पहली स्टेटमेंट ये है कि साइन ऑफ नेगेटिव थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी जो साइन की वैल्यू माइनस थर्टी डिग्री की आती है वही क्या साइन थर्टी डिग्री की वैल्यू आती है, आप इस बात को यूं समझ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कोसाइन ऑफ नेगेटिव थीटा और कोसाइन ऑफ थीटा क्या एक जैसी वैल्यू देते हैं, या थर्ड ये कि टेंजेंट ऑफ नेगेटिव थीटा और टेंजेंट थीटा क्या एक जैसी वैल्यू देते हैं। अब इस बात को हमने समझना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जो सेकंड स्टेटमेंट है ये ट्रू है, ठीक है,
अब ये ट्रू क्यों है, इसका रीजन मैं आपको यहाँ पर जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। कि चले मैं इस स्टेटमेंट को सर्कल कर देता हूँ और अब स्क्रीन पर हम एक्सप्लेनेशन को ज़रा समझते हैं, ठीक है जी। हम देखते हैं, हम ये बात जानते हैं कि जो हमारे पास कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ रहा है जी, कि इसमें हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है जी। चले मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ ये, और इसे हम एक्स एक्सिस कहेंगे और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कहेंगे। अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास कॉस फंक्शन है, ठीक है, अगर हम एक यूनिट सर्कल की बात करें और उसका एक पॉइंट सेलेक्ट करें एक्स वाई उसके अगर कोऑर्डिनेट हो और उसने अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया हो, ठीक है, तो यहाँ से अगर पी पॉइंट से परपेंडिकुलर थ्रो किया जाए एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये डिस्टेंस जो के ओरिजिन से एम तक होगा ये एक्स के इक्वल होगा और एम से पी तक का डिस्टेंस वाई होगा। अब आप देख सकते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है और इसमें साइन ऑफ थीटा जो है जो कि रेशियो होती है परपेंडिकुलर और हाइपरटेन्यूज की वो y ओवर 1 आ जाएगी, क्योंकि मैंने यूनिट सर्कल की बात की थी कि इससे अगर एक सर्कल में हम एक सर्कुलर पाथ में अगर रोटेट कर रहे हो, ठीक है, इस तरह से प्लेन में, ठीक है, तो ये एक हमारे पास y के इक्वल आ रहा है आंसर और कोसाइन बेस ओवर हाइपरटेन्यूज साइड की रेशियो होती है तो वो x ओवर 1 यानी x के बराबर आ रहा है। अब आप देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव साइन के साथ होता है और y भी पॉजिटिव साइन के साथ होता है, ठीक है, जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में y नेगेटिव साइन के साथ होता है और x पॉजिटिव साइन के साथ होता है, ठीक है। अब जब हम माइनस थीटा की बात करेंगे तो ये एंगल फर्ज करें, जैसे मैंने कहा कि अगर 30 डिग्री है तो ये माइनस 30 फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा फिर इस जगह पर, ठीक है। तो अब देखें सिर्फ जो चेंज आएगी वो y कोऑर्डिनेट में आएगी, क्योंकि डाउन द x एक्सिस y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, ठीक है, x पे चेंज, x पे जो इफेक्ट है इस चीज का वो नहीं पड़ रहा, इसका मतलब कॉस जो है, कॉस फंक्शन जो है वो नेगेटिव थीटा पे भी और पॉजिटिव थीटा पे भी एक सी वैल्यू देगा। बेशक आप देख लें अगर कॉस 120 डिग्री की मैं बात करूं या 160 या 150 की बात कर लें और माइनस 150 की जब हम बात करेंगे तो इसका बिल्कुल यहाँ पर मिरर इमेज आएगा इस जगह पर, ठीक है, यानी ये इस तरीके से ट्राइंगल यहाँ बन रही है, ठीक है, और यहाँ से अगर हम देखें तो ये ट्राइंगल यूँ बन रही है, तो यानी कॉस की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि एंगल नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वही वैल्यू देगा जो पॉजिटिव एंगल में दे रहा है और वही वो नेगेटिव पे भी देगा, यानी साइन सॉरी कॉस को साइन अगर फर्ज करें 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, तो कोसाइन माइनस 60 की वैल्यू भी क्या आएगी 1/2 ही आएगी। इस वजह से बाकी अगर आप टेंजेंट की बात कर लें या साइन की बात कर लें तो फिर इनकी वैल्यूज जो है वो चेंज होती हैं, यानी अपना नेगेटिव होती हैं, यानी साइन ऑफ माइनस थीटा जो है वो फिर माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है और टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा जो है माइनस टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है। इस वजह से हम इनको कहते हैं कि ऑड फंक्शंस हैं, ये भी ऑड फंक्शन है, जबकि सिर्फ एक हमारे पास जो फंक्शन है इवन फंक्शन वो कॉस का और इसका जो रेसिप्रोकल फंक्शन होता है जो कि सीकेंट फंक्शन होता है वो भी इवन फंक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से इस MCQ को आप यहाँ पर डिटेल में समझ सकते हैं जी। स्टूडेंट्स एक और प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं जी, जो कि इस तरह से है कि सीकेंट थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कोसाइन थीटा, ये जो एक हमारे पास प्रोडक्ट है ये इक्वल टू 1 के होगा अगर थीटा क्या हो। पहला ऑप्शन ये है कि ये इसमें हम थीटा कोई भी रियल नंबर क्या पुट कर सकते हैं, पहला हमें ऑप्शन ये पूछा जा रहा है। दूसरा ये है कि क्या इसमें थीटा जो है वो तमाम रियल नंबर पुट कर दिए जाएं, लेकिन जो 90 डिग्री के हम कह सकते हैं कि ऑड मल्टीपल्स हैं, ठीक है, यानी जैसे अगर हम देखें यहाँ पे 0 पुट करें तो ये 1 टाइम पाई बाय 2 आता है, अगर हम यहाँ पे 2 पुट करें तो ये 5 पाई बाय 2 आता है, ठीक है, यानी क्या इस तरह के जो पाई बाय 2 के मल्टीपल्स हैं वो हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, या इसी ऑप्शन में अगर आप देखें तो इसमें मतलब अगर n जो कि इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर्स, तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं कि इसमें 0 शामिल होता है, प्लस 1 माइनस 1 शामिल है, प्लस 2 माइनस 2 शामिल है, इस सो ऑन, तो क्या इसमें हम अगर 0 पुट करते हैं तो ये
मतलब एंगल थीटा की वैल्यू है वो जीरो आ जाती है, क्या इस फंक्शन में हम मतलब इन पूरे पूरे इस इक्वेशन में हम जीरो नहीं पुट कर सकते, पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू या माइनस पाई बाय टू नहीं पुट कर सकते, या प्लस पाई या माइनस पाई नहीं पुट कर सकते, इस तरह की क्वेश्चन मतलब ये बात इसमें पूछी जा रही है। और इसमें यह है कि आप जिस साइन की वैल्यू वन पुट करेंगे तो या जीरो पुट करेंगे तो जीरो नहीं लिख सकते, फिर पाई नहीं लिख सकते, फिर टू पाई नहीं लिख सकते, या माइनस पाई नहीं लिख सकते, माइनस टू पाई नहीं लिख सकते। अब इस बात को अगर हम यूं समझें कि देखें ये बात हम जानते हैं कि जो कोसेकेंट है वो बेसिकली साइन का रेसिप्रोकल है, साइन फंक्शन का, वन ओवर साइन थीटा के इक्वल है, और कोसेकेंट जो है ये वन ओवर कोसाइन थीटा के इक्वल है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि साइन थीटा और कोसाइन थीटा तो ये ऑल रियल नंबर्स पर डिफाइंड है, ठीक है, ऑल रियल नंबर्स पर। लेकिन जब मैं जीरो पुट करता हूं तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो फिर उसी एंगल पर कोसेकेंट जो होगा वो वन ओवर जीरो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसका मतलब मैं जीरो नहीं लिख सकता, ठीक है, मैं जीरो नहीं एंगल पुट कर सकता। फिर इसी तरह जब मैं कॉस जो है वो 90 डिग्री की बात करता हूं तो वो हमारे पास जीरो आती है, लेकिन सेकंड जब 90 की बात करूंगा तो वो वन ओवर जीरो हो जाएगा, इसका मतलब मैं 90 भी नहीं पुट कर सकता। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो ऑप्शन ए भी रॉन्ग हो जाता है, बी भी रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि बी में भी जीरो की बात नहीं की जा रही, सी में सॉरी डी में बात की जा रही है लेकिन इसमें फिर 90 डिग्री की बात नहीं की जा रही, इससे ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। तो फिर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन जो सी है, आप देखें तो इसमें बिल्कुल ये इसी तरह से डिफाइन हुआ है कि इसमें हम जीरो नहीं पुट कर सकते, 90 नहीं पुट कर सकते, या माइनस 90 पुट नहीं कर सकते, इसी तरीके से सोन वो एंगल्स नहीं पुट करेंगे जहां पर कॉस जीरो वैल्यू दे रहा है या साइन जीरो वैल्यू दे रहा है, चूंकि जहां पर ये जीरो वैल्यूज देंगे वहां पर इनके रेसिप्रोकल्स अनडिफाइंड हो रहे हैं, इसलिए ऑप्शन सी जो हमारा वो एक बेस्ट ऑप्शन होगा।